आईपीएल 2020 के सफल आयोजन के बाद अब सबकी नज़र अगले सीजन पर टिक गई है। माना जा रहा है कि आईपीएल 2021 में नई टीमों को जोड़ा जा सकता है। नई टीमें टीमों को जोड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस क्रम में गौतम अडानी की मालकिना हक वाली अडानी ग्रुप और संजीव गोयनका की मालिका हक वाली RPSG लीग में अपनी टीम बनाने की रेस में सबसे आगे हैं। दरअसल इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि IPL में नवी टीम को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि अडानी ग्रुप और RPSG की लीग में अपनी टीमें हो सकती हैं और इसे IPL में अब 10 टीमें खेलते हुए दिखाई दे सकती हैं। दरअसल आपको बता दें, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि अहमदाबाद के पास स्थित मोटेरा स्टेडियम को IPL टीमें और उनकी क्षमता के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि IPL में और टीमें होंगी या नहीं, और अगर होंगी तो क्या वो 2021 में लीग में खेलेगी या उसके बाद खेलेगी। गोयनका की इससे पहले भी IPL टीम थी जिनका नाम राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट था, और इस टीम ने 2016 और 2017 में भी लीग में भाग लिया था। उस समय चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को स्पॉट फिक्सिंग के विवाद के कारण 2 साल के लिए IPL से निलंबित कर दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे और ये एक बार फाइनल भी खेली थी। अडानी ग्रुप पहले भी खुले तौर पर IPL में अपनी टीम खरीदने की बातें कर चुका है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि मलयालम अभिनेता और निर्माता मोहनलाल भी IPL में अपनी फ्रेंचाइजी खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। वो हाल ही में IPL 2020 में दुबई में दिखे थे। वहीं आपको बता दें, हालांकि अगर BCCI टीमों को IPL में रखने का फैसला करता है तो प्रत्येक टीम के हित में ये होगा कि उनके पास एक बड़ी IPL नीलामी होगी। BCCI अगर नई टीम लाता है तो उसे फिर से ऑक्शन कराना पड़ेगा। खैर, अब देखना होगा BCCI आगे क्या फैसला लेने वाला है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD News की रिपोर्ट।